अखिल भारतीय कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने नुहू हिंसा के बाद पहली बार सर्किट हाउस नुहू में पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया है। इतना नहीं, उन्होंने बजरंग दल तथा विश्व हिंदू परिषद पर भी हमला बोला। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव का कहना है कि प्रशासन के अधिकारियों ने नुहू हिंसा के पीड़ित लोगों से मिलने की अनुमति प्रदान नहीं की है। उन्होंने सर्किट हाउस नुहू से ही उपायुक्त धीरेन्द्र खटगड़ा से फोन पर बातचीत भी की। इसके अलावा उन्होंने सर्किट हाउस नुहू में कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ नुहू हिंसा को लेकर बातचीत की है। ओबीसी मोर्चा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि जिस हिसाब से डीसी नुहू से बात की गई है, मेरा उद्देश्य यह था कि दोनों पक्षों से मिलना चाहता था लेकिन परमिशन नहीं मिली। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को लंबा खींचना चाहती है। और हमारे सतबीर पहलवान जो हमारे प्रभारी हैं पिछड़ा वर्ग के यहाँ के, आज हम लोग, मैंने अभी डीसी साहब से बात की थी, तो मेरा उद्देश्य केवल ये था कि आकर जो दोनों पक्षों से, चाहे वो किसी समुदाय के लोग हों, उनसे मिलना मैं चाहता था, लेकिन डीसी साहब ने परमिशन कह रहे कि हम आपको नहीं दे पाएंगे। मेरा ये मानना है कि सरकार जो है इस मामले को लंबा खींचना चाहती है। आप देखिए कि ये यात्रा जो है, जो 84 कोस की यात्रा है, ये सिर्फ जो है होटल से चली जाती थी, लेकिन पिछले 4 साल में 3 साल से इन्होंने शुरू करी, कभी भी दंगे नहीं हुए। यहाँ 24 के चुनाव को देखते हुए ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए बीजेपी की एक साजिश, वो चाहते नहीं कि हिंदू मुसलमान जो है मिलकर रहें, भाईचारा बना रहे। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे सारी बातें मुखर थी और जिस तरीके से एक दूसरे के बारे में जिस प्रकार की जो बातें मीडिया और सोशल मीडिया पर आती, वो साइबर क्राइम को भी मालूम था और ये भी मालूम था कि यहाँ टेंशन है, उसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ना पुलिस फोर्स रखी यहाँ, ना पैरामिलिट्री फोर्सेस बुलाए और खुला छोड़ दिया, जिससे कि यहाँ पर मेवात में 75 साल में पहली दफा इस प्रकार की घटना हुई है। तो जिसको मैं ये कहूँगा कि ये मकसद जो है इनका, ना स्कूल बनाने का है, ना इनको यूनिवर्सिटी बनानी है यहाँ पर, ना यहाँ रेलवे का ट्रैक बनाना है, ये केवल ये चाहते हैं कि भाईचारा बिगड़े। हम चाहते थे कि आज जाकर दोनों समुदाय के लोगों से, क्योंकि अगर मकान गिराए हैं तो ये कहते हैं हिंदू समुदाय के भी गिराए हैं और हमारे मुस्लिम भाइयों के भी गिराए हैं, तो उसमें अगर कोई दोषी नहीं है तो उसकी क्या भरपाई सरकार करेगी? जो दोषी नहीं थे, जिनको बगैर नोटिस के, चाहे हिंदू समुदाय से हों, चाहे मुस्लिम, हमारे मुसलमान भाई हों, बे भाई हों, जिनके मकान इन्होंने गिराए हैं, तो हम चाहते थे कि लोगों से, जो यहाँ के जो व्यापारी हैं, उनसे बात करें और उनसे एक ही हम अनुरोध करें कि आप लोगों ने यहाँ रहना है, ये बाहर के लोग तो यहाँ आकर भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, यहाँ से जो है शताब्दियों से जो है सब मिलकर रह रहे हैं, और आज से अगर 5-6 पीढ़ी पहले चले जाए तो मेव जो है वो गोत्र को भी मानते हैं और हमारे जो त्योहारों को भी मनाते रहे हैं, तो इनकी जो सरकार की जो मंशा ये है कि कट्टरता लेके आ जाए, चाहे वो हिंदू समुदाय हो, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, इस प्रकार की इनकी पेशकश है ताकि ये भाईचारा दोबारा ना बने। तो हम ये चाहते हैं कि भाईचारा बना रहे, और लेकिन मैंने डी साहब से कहा कि आप मेरे से आके मुझे ब्रीफ करो कि किस तरीके से, अभी 28 का इन्होंने आह्वान किया, इन्होंने परमिशन नहीं दी है, तो ये चाहते हैं कि चीज लंबी होती रहे, लंबी होती रहे। और जो भजन दल के जो लोग हैं, जो उनका भी, और चाहे VSP के लोग भी हैं, वो चाहते हैं कि ये तवा गर्म रहे, कोई नहीं चाहता कि दंगे हो, ना तो मुस्लिम भाई चाहते हैं यहाँ जो रहते हैं, ना हिंदू भाई चाहते हैं, क्यों यहाँ मिलके इन्होंने रहना है। तो
एज ए रिप्रेजेंटेटिव, चाहे मुझे पिछड़ा वर्ग का राष्ट्रीय चेयरमैन के वजह से, उनकी वजह से हमारे भाई खुर्शीद भी हैं जो हमारे जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, और हम सब लोग जो हैं, सनी है हमारा जो हम लोग आए हैं, और आफ्ताब जी नहीं थे यहाँ तो मेहताब जी उनके भाई मेरे साथ हैं और मलिक जी भी हैं। तो हमारा तो उद्देश्य यही है कि भाईचारा बना रहे।